हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश कुमार है। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको यूट्यूब के खास इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताता हूँ। आप टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, वीडियो जितना भी अच्छा बना लें, आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यूट्यूब HD थंबनेल। दोस्तों, आप जैसा कि आप सोच रहे हैं, अगर आप यूट्यूब एप्लीकेशन से अपलोड करते हैं तो आप तो सिंपली कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब थंबनेल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर क्रोम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मांगता है मिनिमम 2 MB HD आपको चाहिए। तो दोस्तों, अब मान लीजिए आपको वीडियो कुछ भी है, अगर यूट्यूब थंबनेल आपका बढ़िया नहीं है तो आपका वीडियो रैंक नहीं कर पाएगा। दोस्तों, व्यूअर को पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो के अंदर है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा कि आप यूट्यूब के लिए वेरी HD फुल HD यूट्यूब साइज के लिए आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो हो सके तो जहाँ तक लाइक कर दो, लाइक के बाद चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। सर्च करना है सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप, अगर आपके पास है तो आप उड़ाना मत, डिलीट मत करना। पूरी दिखा देता हूँ आपको कैसे इसमें करना है। यहाँ पर आपको पिक्सल पिक्सल लैब आपको सर्च कर देना है कुछ इस तरह से। तो जैसे आप पिक्सल ऐप सर्च कर दोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन आ जाएगा, ये पी वाला ऑप्शन, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल इसलिए कर रखा ताकि आपका टाइम बचे और हमारा ही साथ में। दोस्तों, आपको इस पे यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल लिख रहा हो तो आप फटाफट से इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपके बिल्कुल सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है एक्सपोर्ट के नीचे इमेज साइज। तो हमें करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर लेना है। यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। तो ये हमारे यूट्यूब साइज पे आ गया। ये हमें टैक्स को यहाँ पे 2 बार क्लिक करके यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। तो सबसे पहले ये हमारा आ गया बैनर, जो बोलते हैं यूट्यूब फुल HD। तो हम सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कलर इसका चेंज करके दिखा देता हूँ। आपको बहुत सारा कलर मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, आप जितने मर्जी कलर ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सारा बिल्कुल फुल HD है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक और, देखिए कुछ इस तरह का। आप जो मर्जी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं तो ये करूँगा क्योंकि यूट्यूब थंबनेल के ये बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको फ़ोटो ऐड करना है। तो यहाँ पर प्लस का आइकन पर आपको क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, आपको फ्रॉम गैलरी पर जाना है। फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपके सामने। तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करके गैलरी में जाना है। तो गैलरी में जाने के बाद आपको इमेज सेलेक्ट करनी है जो इस पर लगानी है। तो मैं एक इमेज इस पर ले लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं इसमें से एक इमेज मान लीजिए ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये हमें छोटा बड़ा जिस साइज़ में आपको करना है आप कर सकते हैं। मैं भी करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों फुल HD होगा हमारा। तो ये हम इस तरह से करके यहाँ पर वो ऐसे कर, फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए इस पर टेक्स्ट करना है, कुछ लिखना है, कुछ और ऐड करना है, तो आपको वापस इसमें जाके फ्रॉम गैलरी पे जाके कुछ और फ़ोटो ऐड कर देनी है, ठीक है। अब आपको करना है इस पर कुछ लिखना है। मान लीजिए आपका है यूट्यूब HD थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिर से डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, हिंदी आ जाएगा, नहीं तो आपको ऐसे करके। अब मैं लिख देता हूँ How to make YouTube HD thumbnail। तो जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओके पे, तो दोस्तों इस तरह का कुछ आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसमें खासियत क्या है और जो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हम कुछ इस तरह से सीधी कर लेते हैं इसको।
अगर आप चाहते तो इसका कलर भी चेंज कर सकते जो मर्जी। ये तो इसका हो गया, अब मैं इसका दिखाता हूँ। तो ये हम अपने टाइटल का कलर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वाइट तो बहुत बेटर होता है, ब्लैक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहते हैं इसके बैकग्राउंड हम चेंज करें तो इसके बैकग्राउंड भी हम इनेबल कर सकते हैं। देखिए जो मर्जी आप इसके बैकग्राउंड डाल दीजिए, ठीक है। तो हम इसका बैकग्राउंड डाल चुके हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये जो टाइटल है, मतलब ये लैंग्वेज है, थोड़ा मतलब स्टाइलिश होना चाहिए, तो आपको ABC पे क्लिक करना है। ABC पे क्लिक, यहाँ पर आपको बहुत सारा कैटेगरी मिल जाएगा, बस आपको जिस टाइप के आपको चाहिए आपको ऊपर देख लेनी है किस तरह से चाहिए। तो यहाँ पे आपको देख पाते कुछ इस तरह से मोटा आ गया, ठीक है। आप चाहे तो स्पेनिश या कोई और करी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। अगर 3D चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से कुछ, अगर आप टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करना चाहते हैं थोड़ा इस तरह से भी, तो ये भी आप कर सकते। फ़िलहाल मुझे नहीं करना तो मैं इसको सिंपल डाल के ओके कर देता हूँ। ये हमारा हो गया इस तरह से। अगर आप चाहते हैं और इसमें कुछ ऐड करें तो यहाँ पे आपको इतने ऑप्शन मिल जाता है कि आप फोटो को जो मर्जी वो कर सकते हैं। आप चाहे तो कैमरा से भी डाल सकते हैं, कलर फिर से चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा मतलब ये फुल HD। और ये ऐसा है कि आप क्रोम ब्राउज़र से अगर वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो वहाँ पे ये आराम से वीडियो लग जाएगा, क्योंकि ये 2 MB में ही बनेगा डायरेक्ट जाके। अगर हम वैसे पिक्सार्ट से बनाते हैं, क्योंकि मेरे पहले से काफ़ी बनी हुई थी मेरी, तो वीडियो में ज़्यादा रैंकिंग नहीं पहुँच रही थी, क्योंकि भाई अपनी थंबनेल को HD बनाओ तभी आपका वीडियो ग्रो होगा। मैंने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स भी पूछा था दोस्तों, वो मेरे को सजेस्ट किया है पिक्सल एप्लीकेशन के बारे में। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर आपके पास पिक्सार्ट है तो उसे डिलीट कर दीजिए, पिक्सल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। सेम प्रोसेस से बस आपको ये HD मिलेगा और बढ़िया से मिलेगा, जितने मर्जी आप उतने कैटेगरी चेंज इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रही बात आप जितने मर्जी वहाँ पे जितनी बार वहाँ पे लिख के स्टिकर जो मर्जी सारा कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टिकर भी इतनी मिल जाएगा आपको, कुछ लाजवाब नहीं है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा आपको। अगर रही बात अब सारे थंबनेल बनाने के बाद आपको सेव कैसे करनी है, तो यहाँ पर आपको बैक के ऊपर वाला ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दो सिंपल एक मिल जाएगा आपको प्रोजेक्ट, दूसरे मतलब इमेज साइज। तो यहाँ पर आपको इमेज पे सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको कर लेनी है सेव गैलरी। तो दोस्तों ये आ गया हमारा सेव गैलरी, कुछ ऐड आएगा तो इसको हमको काट देना है, ये हमारा हो चुका है।